हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इज एक्सरसाइज 3F ऑफ आर एस अग्रवाल ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.69. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. आइदर यू कैन अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड. दोनों में से कोई भी मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. तो देखो आप किस तरह से आप इसमें जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करके इसको बना सकते हो. चलो स्टार्ट करते हैं. पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 1.69, है ना. तो क्या करना है आपको, पॉइंट को इल्यूमिनेट करना है. इन द प्लेस ऑफ पॉइंट यू हैव वन, एंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, टू डिजिट्स, सो यू हैव टू पुट हियर 20. नाउ यू हैव टू फाइंड द, सी यू हैव 169 बाय 100. ओके, एंड यू कैन सेपरेट द रूट्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सी हियर, now what is the root of 169? That is 13 into 13. Okay, see, and what is the square root of, see यहाँ पे क्या होगा आपका, 10 into 10 होगा. 2 out of 13 you have here 113, and here you have 110. That is your the answer. That is 113 is your required answer. तो अब इस तरह से भी सिंपली बना सकते हो. अगर आपको वहाँ बोल नहीं रहा है कि जो कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप किसी भी मेथड से आप बना सकते हो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट जो आपका मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको किस तरह से आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको आप सॉल्व करोगे. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से सॉल्व करोगे आप, देखो यहाँ पे सपोज करो 1.69 है ना. क्या करना है इसको, पेयरिंग करना है. हो गया, फर्स्ट वाला क्या होगा, 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया, ये 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. अब यहाँ देखो आप, ये पॉइंट से जो भी पहले नंबर है मेरा, वो सारा डिविजिबल हो गया. दैट मीन्स अब जो स्टार्ट होगा पॉइंट के बाद होगा, तो यहाँ पॉइंट आप दे सकते हो. नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है ना. तो जो डिजिट यहाँ पुट करोगे वही डिजिट आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, यानी कि डिविजर भी आप ही को और कोसाइन भी आपको 3 हो जाएगा. 3 3 9 एंड 3 2 6, ये ठीक है. तो जो भी आपको इजी लगा, जो भी मेथड, वो आप इंप्लीमेंट करके आप बना सकते हो. किसी में भी हो जाता है, आप चाहो तो कोई किसी भी मैथ में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है. चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे. दूसरा क्वेश्चन आपका सपोज करो यहाँ पर 7 नंबर आई एम टेकिंग हियर, दैट इज योर 1.08216, ये वाला है. तो इसमें क्या करना है आपको, इसको भी आपको सॉल्व करना है. तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो दो मेथड से. 1.0816 पॉइंट को रिप्लेस कर दो, 1 आ जाएगा और 40 आ जाएगा, 4 डिजिट तो 40 आ जाएगा. अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइज कर दो. 10816 कर जाएगा 2 6 2 5 जा 2 4 जा 2 0 2 8 जा 2 2 जा 2 7 जा 0 2 4 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18. अब यहाँ देखा गया 13 into 13 169 का होता है ना 13. तो यहाँ पे आपका आ गया ये वाला, देख लो यहाँ पे आपका आ गया 2 into 2 into 2 into 2 into 2. हाउ मेनी ऑफ 2 इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एंड यू हैव 6, एंड एट लास्ट 13 into 13. एंड हाउ कैन यू फैक्टराइज दिस, है ना, 10,000, दैट इज 10 into 10 into 10 into 10, है ना. देखिए देखो 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0 हो गया. अब यहाँ से आपका जो है सेपरेट कर लेना है, आपको यहाँ से आपको सेपरेट कर लेना है. देखो यहाँ पे पेयरिंग करके ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, एक 2 बाहर आ गया, ये इधर से एक इधर से एक आपका 13 हो गया, और नीचे से आपका कितना ए पेयर ये पेयर, तो आपका 2 10 बाहर आ गया, ठीक है. 2 2 जा 4 4 2 जा 8
एंड 38 जा 104, यहाँ पे हो गया 100, तो कितना आ गया आपका 1.040 रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इसको बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ज़्यादा इजी लगा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न ज़्यादा बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो आप किसी भी मेथड से आप इसको बना सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपका क्या है, डेसिमल्स वाला जो स्क्वायर रूट मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे करके दिखाया कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है 1 to 8 आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आपको जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर क्या क्वेश्चन है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है किसी में। तो ये आर एस अग्रवाल का 3F है ना एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स का, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन नीचे आपका पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इजीली वहाँ पे आंसर दे दूंगा या फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।